नमस्कार, स्वागत है आपका 10 न्यूज़ में और मैं हूँ स्मृति। हमारे साथ है गुरमीत सिंह, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सबसे पहले इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी और यहाँ पे आए सभी जितने भी मेरे एडवोकेट अधिवक्ता बंधु, उन सबको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। क्योंकि सर, आज जो मंत्री जी ने कहा और मुख्य न्यायाधीश ने कहा, कई बातें रखी हैं, कुछ नया शुरू करने की भी बात कहा है उन्होंने, तो इस पे आपका क्या विचार है? जैसा कि आज एक ऐतिहासिक इंडिपेंडेंट डे मनाया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के इस धरती स्थल पर, जहां पे आज भारत के लॉ मिनिस्टर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डॉक्टर डी वाई चंद्रचूड़, जो कि दोनों ही आज इस मंच पर मौजूद रहे और वकीलों के साथ में होने वाली परेशानियों से लेकर के बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट बार की जितनी भी समस्याएं हैं उनको लेकर के, जो कि आज चंद्रचूड़ जी ने सभी समस्याओं के समाधान के लिए बातें रखी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आए दिन हो रहे वकीलों पर जो अत्याचार हैं उनके लिए प्रोटेक्शन एक्ट के लिए जो उन्होंने देश भर से उठाई जा रही थी आवाज़ को उन्होंने सुना और आज इस चीज़ पर एक हरी झंडी दिखाने के लिए आश्वासन दिया। तो इससे जो है अधिवक्ताओं के लिए, वकीलों के अंदर बहुत ही एक हर्षोल्लास का दिन भी है। और मैं मानता हूं कि आगे आने वाले समय में अगर हमारे लॉ मिनिस्टर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसी तरह से हमारे साथ बने रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन न्याय का बोलबाला ना। जी सर, बिल्कुल न्याय का बोलबाला ही होगा। 10 न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ है एडवोकेट राकेश सर, आइए उनसे जानते हैं। सर, आज जो मंत्री जी ने कहा और फिर मुख्य न्यायाधीश ने कहा, उस पर आपका क्या विचार? ऐसा है, जुडिशरी को जस्टिस लिटिगेंट को दिलाना फर्स्ट प्राइम कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव है। समहाउ आज का जो ये कार्यक्रम है और जो अनाउंसमेंट है सीजीआई लॉ मिनिस्टर और बार प्रेसिडेंट के द्वारा, बड़ा एक कंस्ट्रक्टिव कंक्लूसिव लेक्चर है अचीवमेंट के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए, कि जस्टिस मिले। आज क्या हो रहा है, लिटिगेंट जस्टिस लेते लेते दूसरा जन्म ले लेता है। कोर्ट की जुडिशरी की प्रोसेस इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि आज लिटिगेंट की कोई वैल्यू नहीं है और दी प्रोसेसेस ऑफ दी जुडिशरी आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इस तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तीनों लॉ बदल दिए हैं, एक बड़ा सौभाग्यशाली काम है। इसके साथ साथ पुलिस का बदलना भी बहुत जरूरी है। धन्यवाद। तो आज का जो विषय था सुप्रीम कोर्ट के सभी सेक्टर में जोड़ के था, तो इसमें हम लोग बहुत खुशी हुए। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डॉक्टर डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने बोला कि एडवोकेट के लिए भी चैम्बर होना चाहिए, बैठने के लिए सुविधा होना चाहिए, जो रेगुलर प्रैक्टिसिंग इन सुप्रीम कोर्ट। तो यह सब, यह एक बात कही उन्होंने। फिर उन्होंने बोला कि जो हमारे टेक्निकल है, लैपटॉप से लेकर जो टेक्निकल प्रोसेस है उसमें भी उन्होंने थोड़ा ध्यान बोला कि आगे बढ़ाएंगे प्रोसेस को। और ये पास जो हमारे सबसे परेशानी की बात होती है, जो हम लोगों के लिए कोई परेशानी नहीं, हम लोगों के पास प्रॉक्सिमिटी कार्ड है, लेकिन किसी किसी के पास जो इंटर्न आते हैं और जो एक दिन दो दिन के लिए जिसके पास प्रॉक्सिमिटी कार्ड नहीं होते, तो उन लोगों के लिए विजिटिंग कार्ड बनना एक लंबी प्रोसीडियर हो जाती है। तो दिवा चंद्रचूड़ साहब ने इसको भी बोला कि अभी ये भी ये पोर्टल से होगा, तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो कार पार्किंग सबसे महत्वपूर्ण है, कार पार्किंग से लेकर हमको जो असुविधा हुई थी, दिक्कत हुई थी, तो इसीलिए 600 कार पार्किंग के लिए जो मंजूरी दिया वो भी हम खुश है। और सबसे बेहतरीन ये है कि एडवोकेट एक्ट पास के लिए जो दिया है तो उसमें हम बहुत खुश है। धन्यवाद सर। आज जो कार्यक्रम हुआ उसमें मंत्री जी ने कहा और मुख्य न्यायाधीश ने जो बात रखी, उस पर आपका क्या विचार है? मैं कहूंगा कि बार एसोसिएशन, बार के से रिलेटेड लोगों की जो प्रॉब्लम है, मंत्री जी को कुछ उनको समस्याओं के बारे में बताया गया, मंत्री जी ने उनको आश्वासन दिया कि काफ़ी समस्याएं पूरी हो जाएंगी। बार के लोग जो है चैम्बर्स के लिए भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उसकी जमीन को अलॉट कराने की बातचीत चल रही है, उस पर भी उन्होंने आश्वासन दिया। और बार के लोगों को मेडिकल सुविधा की बहुत अत्यंत आवश्यक है, एडवोकेट प्रिवेंशन बिल को जो पास किया जाए उसके लिए भी आज उनको बताया गया, तो मंत्री जी ने आश्वासन दिया इन समस्याओं को शीघ्र
इन पे अमल होगा और बार के लिए चैम्बर्स के लिए जमीन का आवंटन शीघ्र किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यनारायण से बात करने। आज है हमारे साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष। स्वागत है सर आपका टेन न्यूज में। जिस तरह से आप एक एडवोकेट भी हैं, उस नाते मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगी कि आज जो मंत्री जी ने कहा, मुख्य न्यायाधीश ने कहा, उस पर आपका क्या विचार है? पहले तो मैं ये बताऊं कि मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद है और मैं बुंदेलखंड विकास परिषद का अध्यक्ष हूं और हमारे साथ में जो खड़े हैं उमेश बाबू चौरसिया जी, ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जो हमारी हाउसिंग सोसाइटी है, उसके वाइस चेयरमैन है। और ये हमारे साथ में उस्मान भाई सिद्दीकी हैं, ये भी बुंदेलखंड से हैं। और ये हमारे बगल में खड़े हुए राजकुमार जी हैं, ये नोटरी हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। और जैसा कि लॉ मिनिस्टर ने कहा कि कोई अपना एड्रेस, ये जावेद जी हैं हमारी सुप्रीम कोर्ट की लॉयर, आप हमारे गुरु जी हैं उमेश ओपी मिश्रा जी और चौहान जी। जैसा कि आज आपने लॉ मिनिस्टर ने कहा कि कोई पूछता है कि तुम्हारा एड्रेस कहाँ है, तो उन्होंने कहा हम नीम के पेड़ के नीचे रहते हैं। उन्होंने बिल्कुल सत्य वचन कहा, लेकिन उसके ऊपर कितने लोग एक्शन लेते हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारे बगल में ये खड़े हुए राजकुमार जी हैं, ये नोटरी हैं, ये अभी भी पेड़ के नीचे खड़े रहते हैं, यूको बैंक उसमें जो जहाँ पे पास बनते हैं वहाँ बाहर खड़े रहते हैं ये, और वहीं स्टाम्प लगाते रहते हैं नोटरी की। इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं हुई है। हमारे उमेश बाबू चौरसिया जी ने आगे लेटर लिखा इसके लिए कि इनके लिए नोटरी ओथ कमिश्नर रहें, इनके लिए कोई जगह बना दी जाए जिससे ये बैठें, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हुई है। ठीक है, जहाँ तक कि ये कोऑर्डिनेशन की बात सारे लोग करते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशियरी, ये कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, लेकिन इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल, क्योंकि कोई कोऑर्डिनेट करना ही नहीं चाहता है, एक्शन में कोई नहीं लाना चाहता है, बोलते सारे हैं। अभी हमको सौभाग्य से जो हमारे बार के प्रेसिडेंट हैं आदिश अग्रवाल जी, ही इज़ ए वेरी ग्रेट मैन, ही इज़ डाउन टू अर्थ एंड लुकिंग आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द कॉमन पीपल इन आवर सुप्रीम कोर्ट बार। लेकिन कुछ ऐसे इलीट क्लास के भी लोग हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के वोटर हैं, उनको वोटर लिस्ट से हटाना चाहते हैं, कॉमन पर्सन हैं, उनके वेलफेयर के अगेंस्ट काम करते हैं, वो सिर्फ इलीट क्लास को ही प्रमोट करना चाहते हैं। जो नॉर्मल एडवोकेट है, अपने घर परिवार को देखने वाला है, उसको कोई मदद करने वाला व्यक्ति नहीं है। तो इन परिस्थितियों में सबसे पहले, चाहे वो लॉ मिनिस्टर हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट हो, चाहे वो DVY चंद्रचूड़ साहब हो, बार और बेंच का बेटर कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है, तालमेल बहुत जरूरी है। ऐसा है नहीं। सुप्रीम कोर्ट में दो तरह के लॉयर हैं, एक ऐसे भी लॉयर हैं जो कि अपनी रोजी रोटी के लिए परेशान हैं, और ऐसे भी लॉयर हैं जिनका पेट भरा हुआ है, बोलते हैं हम प्रो बोनो को केस कर रहे हैं। जिंदगी में कभी कोई प्रो बोनो केस नहीं किया होगा, सिर्फ मीडिया को दिखाने के लिए अपनी इस तरह की चर्चाएं करते हैं। मैं तो न्यूज़ 10 के एडिटर चीफ या जो भी हैं, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं इंडिपेंडेंस डे की, और थैंक यू वेरी मच कि आपने बाइट ली, उसके लिए आपको हम शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या जो आज बात रखी गई है वो कब तक पूरे होते हैं। ट्रेन न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सभी का। हमारे साथ है उमेश बाबू चौरसिया, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के वाइस चेयरमैन। सबसे पहले तो आज इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। आपको एवं टेन न्यूज के पूरे परिवार को हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। और हमारा देश यूं ही तरक्की करता रहे और आपका चैनल भी तरक्की करता जी सर। धन्यवाद। आज यहाँ कार्यक्रम संपन्न हुआ तो जो मंत्री जी ने कहा जी। और मुख्य न्यायाधीश ने कई बातें रखी सामने लॉयर्स के लिए भी और जजों के लिए भी, तो इस पे आपका क्या विचार है, क्या कहना चाहेंगे? ये मैं 22 साल की प्रैक्टिस है हमारी सुप्रीम कोर्ट में, मैंने पहली बार देखा है कि लॉ मिनिस्टर इस प्रकार से घुल मिल के बात करे और हिंदी में भी बात करे, सभी भाषाओं का सम्मान करे। तो इस प्रकार के जो लॉ मिनिस्टर आए हैं, तो हमको लगता है कि अब देश में कुछ परिवर्तन आने वाला है। और लॉयर्स की बात उन्होंने खुद छेड़ी है, तो हमको लगता है कि लॉयर्स के बारे में सोचेंगे, और जो हज़ार चैम्बर के बारे में बात की है तो 1000 चैम्बर बनेंगे। और ये सबसे बड़ी बात है कि मेडिकल फैसिलिटी हमारे वकीलों को नहीं है, तो एक इसकी बहुत ज़रूरत है। मैं केंद्र सरकार से कहना चाहूँगा
कि लॉयर्स के लिए, पूरे देश के लॉयर के लिए एक मेडिकल फैसिलिटी लाए, ताकि लॉयर्स का अगर कोई प्रॉब्लम हो, जैसे आयुष्मान भारत है, इस प्रकार की कोई योजना लाए, ताकि सारे एडवोकेट की फैमिली सुरक्षित हो जाए। जी सर, टेन न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।